अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? तो ये है जी फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे के दिन जो है बच्चे जो है यहाँ पे तैयार हो गए, और ये छोटा वाला जो है मेरे भाई का बेटा है, ये ज़रा मुझसे शर्माता बहुत है, तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो ये छुप रहा था। और यहाँ पे जी मेरी प्यारे सी जो है वो भांजियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं, जैनब और अनाबिया, माशाल्लाह से बहुत बहुत ही प्यारी बच्चियाँ हैं। तो जी बस उसके बाद जब नमाज से फ्री होके मैं, मुझे थोड़ा मार्केट जाना था, तो यहाँ पर जी हैदराबाद की मशहूर जो है रबड़ी मुझे नज़र आई, हाजी रबड़ी। तो जी मैंने अपने भाई से कहा कि यहाँ से रबड़ी लेते हैं, तो उसके बाद हम शाम की चाय के साथ जो है यहाँ पे मज़ेदार सी रबड़ी लेकर आए थे, ड्राई फ्रूट थे, बिस्किट वगैरह थे, तो शाम की जो है हमने चाय के साथ जो है इसको खाया। बहुत ही मज़े की रबड़ी थी। और हैदराबाद आए और हैदराबाद की सौगातें ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर फिर मैं रबड़ी लेके आई थी, तो सब ने चाय के साथ जो है इंजॉय किया, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की हैदराबाद की जो है रबड़ी है, जो भी आता है ज़रूर खाता है। आप लोग कभी हैदराबाद जाएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हैदराबाद की सौगात जो है वो रबड़ी है। तो जी बस यहाँ पर चाय के साथ मज़ेदार सी रबड़ी जो है हम लोगों ने एंजॉय की। उसके बाद जी फिर बस थोड़ा सा दिन ऐसे ही गुजरा, बच्चों के साथ हंसी हंसी मजाक में जो है वो ऐसे ही दिन जो है वो गुज़र गया था। उसके बाद यहाँ पे बच्चे जो है वो शाम के टाइम पे जो है चाय के बाद क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैंने इनकी भी जो है वो वीडियो बना ली। इतना शोर कर रहे थे कि बस की नहीं, फिर मैं इनको डांटने गई थी, तो मैं यहाँ पे जो है वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है जी हैदराबाद का कासमाबाद में जो है ना पिज़्ज़ा प्लेस, नया दुकान नया ओपन किया था इन लोगों ने, तो यहाँ का जो हम गुज़र रहे थे, तो फिर मैंने यहाँ से जो है अम्मी ने हमें इसी शॉप से जो है पिज़्ज़ा भी मंगवा के दिया था। तो जी बच्चे गए थे तो वीडियो बना कर आए थे और कहा कि जो है ना यहाँ का पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे जो है सिटिंग एरिया भी है, आप चाहें तो यहाँ बैठकर भी खा सकते हैं, यहाँ से मंगा भी सकते हैं, और जी टेक अवे भी है और होम डिलीवरी भी है। तो आप कभी भी हैदराबाद जाएं या जो हैदराबाद के रहने वाले वो यहाँ से यहाँ ज़रूर जाइएगा जी। तो यहाँ पे ये है जी पिज़्ज़ा प्लेस, यहाँ से हमने जी ऑर्डर किया है, बल्कि मंगवाया ही है पिज़्ज़ा, और यहाँ पे जी मंगवाया है, ये क्या है बेटा? पास्ता जी। तो यहाँ पे हम जो है मज़ेदार सा पिज़्ज़ा और पास्ता जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। ये है जी, मैं आपको नाम भी दिखा देती हूँ, ये है पिज़्ज़ा प्लेस। ये जी मैं हैदराबाद आई हुई हूँ अपनी अम्मी के यहाँ, तो मेरी अम्मी ने जी हमारे लिए ये मंगवाया है। लेट नाइट जो है बच्चों को भूख लगी थी, तो बस जी थोड़ा सा ही हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा और पास्ता ऑर्डर किया है, तो जिसका टेस्ट जो है वो मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसा है। मज़ेदार खाओ पिज़्ज़ा, तो जी टेस्ट में बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े का है। और जी ये टेस्ट करते हैं पास्ता, मज़ेदार यम्मी। तो जी हमें तो बहुत पसंद आया, हमें तो बहुत अच्छा लगा, टेस्ट वाइज भी जो है बहुत अच्छा है, पिज़्ज़ा भी अच्छा है, पास्ता भी बहुत अच्छा जी। इनके जो प्राइस हैं वो भी रिजनेबल है, और यहाँ पर देखें ये डील्स भी हैं, और डील्स की भी जो प्राइस है वो भी बहुत सही है, मुनासिब रेट में है। आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और आप वहाँ जाके ख़ुद भी परचेज कर सकते हैं। तो जी ट्राई कीजिएगा पिज़्ज़ा प्लेस का, बहुत ही यम्मी सा और बहुत ही मज़े का जो है पिज़्ज़ा है। हम लोग तो यहाँ पर जी इंजॉय कर रहे हैं मज़ेदार सा पास्ता और पिज़्ज़ा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा पिज़्ज़ा प्लेस का जो है वो पिज़्ज़ा और पास्ता, और भी इनकी डील से तो ज़रूर जाइएगा जी। तो मिलूंगी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।